हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल द किंगडम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं कि आईसीआई बैंक जो है उसने एक नई सुविधा लगाई है, जिसमें क्या है कि 24 घंटे आपको जो है उस सुविधा का लाभ मिलेगा और ब्रांच में जाने का टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म है। तो दोस्तों, क्या जानकारी है ये शेयर करूंगा पूरी जानकारी, उससे पहले बता देता हूं, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी जानकारी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक ने एक अनोखी सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए ग्राहक को यानी आपको, अगर आपका खाता है तो अपने घर या ऑफिस के निकट स्थित बैंक की शाखा से छुट्टी के दिन सही 24 घंटों आपका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेना है, चेकबुक लेनी है, रिटर्न लेना है, सब कुछ जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं छुट्टी के दिन भी। तो दोस्तों, बता देता हूँ, इस अनोखी सेल्फ सर्विस डिलीवरी का जो सिस्टम है, इस फैसिलिटी का नाम है आई बॉक्स रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आई बॉक्स सेल्फ सर्विस है। इसके अंदर आई बॉक्स में एक एटीएम जैसी एक मशीन है। आइए जानते हैं इसके और क्या क्या फायदे हैं। छुट्टी के दिन भी दोस्तों इसकी आपको सुविधा मिलेगी। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से 24 घंटे इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। यह सुविधा छुट्टी के दिन भी आपको मिलेगी। आई बॉक्स एटीएम जैसी मशीन है जो बैंक की शाखाओं में परिसर के बाहर लगाई गई है। बैंक के बंद होने के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस बैंक के बंद होने के बाद भी इसमें इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और ग्राहक को अपने पैकेज के बारे में जानकारी डिस्पैच से लेकर डिलीवरी तक है वो इसके अंदर दी जाएगी। इसका यह पैकेज आई बॉक्स टर्मिनल में पहुंच जाता है तो ग्राहक को एक SMS नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिसे आई बॉक्स यानी GPS लोकेशन का एक OTP द्वारा QR कोड होता है। ये एक दोस्तों लॉकर के टाइप में काम करेगी। इसके अंदर बताया कि इसके बाद कस्टमर आई बॉक्स के पास जाकर अपना जो मोबाइल नंबर है वो इसके अंदर रजिस्टर्ड करेगा, OTP कोड या QR कोड है वो इसमें डालेगा, जिसके बाद है वो बॉक्स खुल जाएगा और ग्राहक को जो अपना पैकेज मिल जाएगा। ये दोस्तों सेम उसी तरह है जिस प्रकार से अमेजन को आप जानते हैं, उन्होंने जो फैसिलिटी कर रखी है कि जो बॉक्स लगा रखे हैं, उन्होंने लॉकर्स लगा रखे हैं, उसके अंदर आपका जो भी पार्सल आता है आप जो रिसीव नहीं कर सकते हैं तो आपको उस लॉकर में रख दिया जाता है, जो सार्वजनिक जगह है जैसे बस स्टैंड के नज़दीक या और जगह पर लगा दिए जाते हैं लॉकर, और आपके जो है ऑर्डर ID आप उसके अंदर जाकर डालेंगे और OTP डालेंगे तो आपका जो है लॉकर खुल जाएगा और उसमें आपका पार्सल होगा वो आपको मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार की जो आई बॉक्स जो ICICI बैंक ने लगाई है वो आई बॉक्स का नाम रखा है उन्होंने। आई बॉक्स में ग्राहक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, रिटर्न चेक या 7 दिनों तक रहता है, जिसके दौरान ग्राहक है वो इसे ले जा सकता है। इस तरह का आई बॉक्स में ग्राहकों की सुविधा वो बढ़ गई है और उन्हें बैंकों में व्यस्त कामकाजी समय और शाखा के दौरान जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दोस्तों, आप बैंक में जाते हैं आपको टोकन कटवाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, आपका समय खराब होता है, आपका काम होता है, बस आपको चेकबुक लेनी है, इतना सा ही। तो इसको देखते हुए उन्होंने समय को बचाते हुए बहुत अच्छी सुविधाएँ वो शुरू की है। जिन शहरों में ICICI बैंक की शाखाओं में आई बॉक्स टर्मिनल लगाए गए हैं उन्हें दिल्ली, NCR, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नवी, सूरत, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, नागपुर, अमृतसर, लुधियाना और पंचकुला जैसे शहर शामिल है। यानी अभी तक इसको बड़े बड़े शहरों में शुरू किया गया है। यह सुविधा वैसे लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी है, तो इस दस्तावेज को रिसीव करने के लिए आप अपने घर पर मौजूद नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे भी डाकिया पार्सल लेके आपके घर पे चेकबुक लेके जाता है या कोई ATM कार्ड लेके जाता है, या तो उनको एड्रेस नहीं मिलता है या आप घर पे नहीं मिलते हैं, इस प्रकार की जो फैसिलिटी है उन्होंने प्रदान की है, जिसमें कि आप जो है आपका पार्सल उनके जो मशीन लगाई है उन्होंने आई बॉक्स जिसका नाम रखा है वहाँ से उठा सकते हैं। ICICI बैंक का ये महत्वपूर्ण कदम है, जो कि एक अमेजोन का लॉकर सिस्टम है उसी प्रकार से सुविधाजनक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।